अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मारूफ खान। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो पार्ट वन में अपलोड कर चुकी थी चैप्टर 13 इम्यूनिटी का, एंड इंशाल्लाह अब हम पार्ट टू करेंगे। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का, डाइजेस्टिव ट्रैप में क्या, एयर पैसेज में क्या रोल होता है वो हम पढ़ेंगे, एंड देन हम सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस पढ़ेंगे। ये इम्यूनिटी चैप्टर बहुत छोटा सा है, बट इसमें काफ़ी इंफॉर्मेशन है, डिटेल में है, तो ये 2-3 डेज़ में इंशाल्लाह हम कवर कर लेंगे। अभी मैं इंशाल्लाह न्यू बुक आ चुकी है वो स्टार्ट करूँगी। आई थिंक शॉर्टेज हो चुकी है बुक्स की, सो मुझे मिल नहीं रही है असल में। तो ये है कि 1-2 दिन में मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि मुझे मिल जाए, देन ऑनवर्ड्स हम करेंगे, लेक्चर अपलोड करूँगी मैं, और MCQs आप लोगों को करवाऊँगी, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करवाऊँगी इंशाल्लाह। तो हम हाइपोडर्मिस तक पढ़ चुके थे, अब हम करेंगे डाइजेस्टिव ट्रैप रोल इन इम्यून सिस्टम। सो यहाँ पे क्या होगा कि हमारा जो गट है, जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक जिसको हम कहते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक कहते हैं, सो ये ना इंटरनली लाइन होता है म्यूकोसा से। ये एक लेयर होती है म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, सीरोसा, और इसमें ही मसल्स होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल, सर्कुलर मसल। सो वो होता है कि इन एडिशन हमारे पास स्टमक के पास कुछ ग्लैंड होते हैं जो सिक्रीट करते हैं HCL को। आगे अगर आप लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होगा, भी आप आगे भी पढ़ेंगे, तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो स्टमक है उसके पास गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं जो सिक्रीट करता है HCL को, और वो पेप्सिनोजेन होता है जो इनएक्टिव स्टेट में होता है, देन फिर HCL ही है जिसको एक्टिव करवाता है, एक्टिव फॉर्म में एक्टिवेट करता है। तो ये होता है कि जो स्टमक है उसके पास गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं जो सिक्रीट करता है HCL को, वराइटी ऑफ एंजाइम्स को, क्योंकि डिस्ट्रॉय कर देते हैं माइक्रो ऑर्गेनाइजम्स को। ये जो इंटरनल लाइनिंग होती है माउथ की, नोज की, डाइजेस्टिव ट्रैक की, रेस्पायरेटरी पैसेज की, लंग्स की, यूरिनरी ट्रैक की, सारी की सारी लाइनिंग म्यूकोसा वगैरह से हुई होती है, जो जो हम म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं या हम म्यूकोसा ही कहते हैं, और यही है जो बचा रहा होता है एंजाइम से, माइक्रो ऑर्गेनाइज्म से, उस ऑर्गन को जिसमें ये लाइनिंग है। अब क्या है कि जो इंटरनल लाइनिंग्स हैं ये एपिथेलियल सेल से बनी होती हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ नॉन स्पेसिफिक फिजिकल बैरियर की तरह ही सिर्फ और सिर्फ काम नहीं कर रही होती हैं। इसके पास बहुत सारी एक बहुत एडवांस नेचर होती है, ये प्रोवाइड कर रहा होता है प्रोटेक्शन। तो दैट्स वाई हम ये कहते हैं कि ये प्रोवाइड करता है बायोकेमिकल बैरियर थ्रू इट्स म्यूकस, जो कंटेन करता है बहुत सारे एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स। अब हमारे पास है कि मोर एवर जो मैकेनिकल एक्शन था ना, पेरिस्टॉल्सिस होती हैं गर्ड की, जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक होता है, एलिमेंट्री कनाल होता है, उसमें ना कुछ वेव्स होती हैं जिसकी वजह से फूड पार्टिकल्स मिक्स हो रहे होते हैं। तो क्या होता है कि जो उसको हम कहते हैं, उन वेव्स को हम कहते हैं पेरिस्टॉल्सिस। तो क्या होता है कि ये जो पेरिस्टॉल्सिस है, इन्हीं की मदद से, इन्हीं की वजह से जो स्लव म्यूकस है वो मूव कर रहा होता है, और वो फिर अनडाइजेस्टेड फूड फीसेज होती हैं उसके साथ भी आ जाता है। अब यहाँ पे डिफेंसेस का बताया हुआ है कि इन एडिशन टू द अबव मेंशन डिफेंसेस, ये डाइजेस्टिव ट्रैक के पास कुछ अमाउंट ऑफ लिम्फोइड टिश्यूज होते हैं, तीन तरीके के आपकी बुक में मेंशन है। टॉन्सिल जो फ्रेंजियल रीजन में होता है, फ्रेनेक्स फ्रेनेक्स होता है फ्रेंजियल रीजन, पेयर्स पैचेज होते हैं, लाइक ये पैचेज होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, और अपेंडिक्स, अपेंडिक्स को कहते हैं कि ये वर्मी फॉर्म है, लाइक इसका एंसेस्टर्स में कोई काम था लेकिन अब ये कोई काम नहीं है, कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करता। तो लिम्फोइड टिश्यूज होते हैं ना, वो रिच होते हैं मैक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट्स में। मैक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट्स ना बहुत हेल्पफुल होते हैं, ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं फॉरेन पार्टिकल्स को, इनकाउंटर कर देते हैं, इनका एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो एनदर सेक्टर लिम्फोइड टिश्यूज का WBCs और लिम्फोसाइट्स हैं, प्लाज्मा सेल्स हैं, बीटा सेल्स हैं। अभी आप आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो WBCs होते हैं वगैरह, ये फेजोसाइट्स कर देते हैं, ये इनकाउंटर कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लाइक अगर न्यूट्रोफिल्स, नेचुरल किलर सेल्स, हम आके सारा पढ़ेंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा कि इनका क्या क्या रोल होता है। काउंटर कर सकते हैं फॉरेन पार्टिकल्स को, ये एपिथेलियल सेल्स में भी होते हैं लाइक म्यूकोसा के साथ साथ, और प्रोटेक्शन देते हैं अगेंस्ट द पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। लाइक एयर पैसेज वे में भी क्या होता है रोल इन फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, वो यही होता है कि इन सम सिस्टम लाइक रेस्पायरेटरी सिस्टम बहुत ज़्यादा रिस्क होता है कि जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो डिजीज को कॉज कर सकते हैं उसको हम कहते हैं पैथोजेन, तो वो एंटर हो सकते हैं। तो इसकी ये वजह होती है एयर की वजह से म्यूकस। तो एयर की वजह से क्या होता है कि जो नोज में हमारे म्यूकस होते हैं, सीलिया होते हैं, ये ट्रैप कर लेते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, और उसका जो सिलिएटेड सरफेस होता है वो फ्लश कर ऑफ कर रहा होता है। तो क्या होता है कि एयर के जरिए पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एंट्री का एक बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। तो जो म्यूकस होता है हमारी नोज में, हमारे ट्रेकिया में, इसमें सीलिया भी होते हैं, तो वो क्या होता है कि अगर आपने पढ़ा हो, ये चैप्टर में वैसे पढ़ा चुकी हूँ पूरा रेस्पायरेटरी सिस्टम,
तो उसमें मैंने बताया था कि ब्रोंकियोज में भी म्यूकस होता है, नोज में म्यूकस होता है। तो ये म्यूकस है यही ट्रैप करता है माइक्रो ऑर्गेनाइजम्स को, और उसके जो सिलिएटेड सरफेस होता है वो फ्लश ऑफ कर रहा होता है कि जो जो कॉन्टिमिनेटेड म्यूकस है वो आउटसाइड चले जाए, कि उसकी जो रिटेंशन है डस्ट की, डर्ट की, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनाइजम्स की, वो अंदर ना आ सकें। तो ये इसका मेन रोल होता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का रेस्पिरेटरी सिस्टम में। हमारे जो नोज में हेयर्स होते हैं ना प्रेजेंट होते हैं, वो भी ट्रैप करते हैं डस्ट को, डर्ट को। और हम जब इनहेल करते हैं एयर को तो उसमें बहुत सारी जो डर्ट होती है, डस्ट होती है, वो सारी हमारी बॉडी में आ सकती है। सो उसकी वजह से जो हमारी नोज़ में हेयर्स होते हैं, जो हमारा सीलिया होता है, म्यूकस होता है, ये सारे के सारे रोल प्ले करते हैं कि उसमें जो डस्ट है, पैथोजन वायरस है, वो ना आ सकें। नोज़ के हेयर्स होते हैं, सीलिया वगैरह, तो यही मेक श्योर करते हैं कि जो एयर है, जो हमारे एयर पैसेज से गुजरते हुए हमारे लंग्स में जाएगी, वो कॉन्टिमिनेटेड ना हो। म्यूकस मेम्ब्रेन होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, वो कंसिस्ट करते हैं सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स लेयर, और यही है जो न्यूमरस म्यूकस सिक्रीटिंग म्यूकस ग्लैंड्स भी होते हैं। म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं जो म्यूकस को सिक्रीट कर रहे होते हैं, तो वो यहीं होते हैं। अब क्या होता है कि जो म्यूकस है वो डस्ट और डर्ट को अपने पास स्टिक कर लेता है, इसी की वजह से रिमूव होता है। ये रिमूव करता है सिंक्रोनाइज मैनर में। क्या होता है कि ये जो सिंक्रोनाइज मैनर है ना, ये अगर आपने फ्लैजिला और सीलिया को देखा तो वो एक दूसरे के बाद, एक के बाद दूसरा मूव कर रहा होता है, तो ये मैनर होता है जिसको हम कहते हैं। और मूवमेंट होती है सीलिया की टुवर्ड्स द फ्रेनेक्स, और फिर फ्रेनेक्स के बाद ओसोफेगस होता है, तो वो फिर या तो ओसोफेगस में चला जाता है या फिर माउथ के जरिए वो रिमूव कर देता है। तो ये इसका फंक्शन होता है। इसे वो बहुत फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस थोड़ा बोरिंग सा था, लेकिन सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस बहुत ज़बरदस्त है। अब क्या है कि पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनाइजम्स हैं जो हमारी बॉडी में एंटर हो चुके हैं, और वो जो नोज़ है, जो सीलिया म्यूकस है, वो उसको ट्रैप नहीं कर सके, वो फिर भी एंटर हो गया थ्रो ब्रोकन, जो हमारे जो कट होते हैं, बर्न होते हैं, उनके ज़रिए, जो ब्रोकन एक्सीडेंटली हो गए हैं, स्किन वगैरह, उसके ज़रिए जो एंटर हो चुके हैं, तो वो फिर होता है कि उससे ये डील करता है सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस थ्रो इंसेक्ट बाइट के ज़रिए जो बर्न वगैरह हो गया है। कि अगर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अपना काम नहीं कर सका तो फिर सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस वर्क करता है, और ये नॉन स्पेसिफिक होता है, ये कंप्राइज करता है बहुत ज़्यादा, इसकी वाइड रेंज होती है, इसमें WBCs आ जाते हैं, इसके पास डिफेंसिव प्रोटीन्स होते हैं, इन्फ्लेमेशन भी इसी में होती है, इसमें ही फेजोसाइटोसिस होती है, साइटोटॉक्सिसिटी होती है, सो वो इंक्लूड होता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे। अब हमारे पास है किलिंग सेल्स ऑफ ब्लड। सो ये क्या होता है कि सम पैथोजेंस एक्सेस हो जाते हैं बॉडी में थ्रू वाउंड ब्रोकन स्किल्स इनहेल एयर। सो ये इनकाउंटर WBCs को करते हैं। तो क्या होता है कि कुछ पैथोजेंस एंटर हो चुके हैं बॉडी में थ्रू वाउंड ब्रोकन स्किन या इनहेल एयर के जरिए, तो फिर वो रिकॉग्नाइज होते हैं, उसको पैथोजेंस के जरिए किल किया जाता है। सो वो आगे हम पढ़ेंगे। अब है फेजोसाइटोसिस। सो ये सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस का फर्स्ट प्रोसेस है थ्रू विच सम स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ WBCs टेकन एंड टेक पार्ट करती हैं WBCs की, वाइट ब्लड सेल्स की, और डाइजेस्ट करती हैं फॉरेन पार्टिकल्स और माइक्रो ऑर्गेनाइजम्स को। उसमें इंक्लूड होते हैं न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट्स, डेंड्राइटिक सेल्स, जो परफॉर्म करते हैं सच फेजोसाइटोसिस। अगर आपको पता हो तो कलरलेस टिश्यू है, उसमें प्लाज्मा होता है 55% एंड देन WBCs होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं और प्लेटलेट्स होते हैं। तो जो वाइट ब्लड सेल्स हैं ना, ये एक होते हैं ग्रेन्योसाइट्स और एक होते हैं एग्रेन्योसाइट्स। एग्रेन्योसाइट्स में लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस आ जाते हैं, जबकि जो ग्रेन्योसाइट्स होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस होता है, जिसको हम पॉलीमॉर्फर न्यूक्लियस कहते हैं। सो उसमें क्या होता है कि उसमें न्यूट्रोफिल्स होते हैं, बेसोफिल्स होते हैं, और एक और होता है ओसोफिल्स होता है। सो यहाँ पे हम पढ़ेंगे न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस का, डेंड्राइटिक सेल का, वो कैसे परफॉर्म करते हैं फेजोसाइटोसिस। पहले हम पढ़ेंगे न्यूट्रोफिल्स। सो ये WBCs होते हैं, ये लार्जेस्ट WBCs का मतलब WBCs में ना लार्जेस्ट जो कंपाउंड होगा वो न्यूट्रोफिल्स ही होते हैं। मोस्ट अबंडेंट WBCs हैं ये, 50-70% ऑफ ऑल द ल्यूकोसाइट्स। WBCs को ही ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। सो ये क्या होता है कि ये स्पेशली अडेप्टेड होते हैं, ये फेजोसाइट्स करते हैं बैक्टीरिया को। इनकी जो नेचर है वो ये होती है कि ये मल्टी लोब होते हैं, इसमें 3-5 लोब होते हैं, ये देखें आप, ये नॉन स्फेरिकल होते हैं, न्यूक्लियस इसमें होता है, ये कंटेन करते हैं, शॉर्ट लाइफ होते हैं। अगर आप मैक्रोफेजेस की बात करें तो वो फिर लॉन्ग लाइफ होते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो आगे जाके क्या होता है कि वो मेमोरी सेल्स भी बन जाते हैं, और वो हम इनको ये कहते हैं कि ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। तो वो फिर इसलिए लॉन्ग लाइफ होते हैं, जबकि शॉर्ट लाइफ होते हैं मैच्योरेशन के बाद। मेजोरिटी ऑफ देम माइग्रेट फ्रॉम द ब्लड इन टू आर टिश्यूज ऑन मैच्योरेशन। ये क्या करते हैं, मैच्योरेशन के बाद इनकी मेजोरिटी है वो ब्लड से माइग्रेट कर जाती है हमारे टिश्यूज़ में। एंड देन क्या होता है कि जो इसके रिसेप्टर
रिसेप्टर्स होते हैं ना, इनके सरफेस पे जो रिसेप्टर्स होते हैं वो आगे रिकॉग्नाइज करते हैं बैक्टीरियल मॉलिक्यूल्स को, लाइक पेप्टोग्लाइकेंस के जरिए, फ्लैजिला के जरिए, प्रोटीन और फ्लैजिला के जरिए जो फ्लैजिला इंटीबुलिन होती है. सो वो लिपोपॉलीसेक्राइड, लिपोपॉलीपेप्टाइड, लाइक अगर आपने अगर आपने पढ़ा हो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर तो आपको पता होगा ना कि उसकी जो सेल वॉल होती है वो म्यूरिन से बनी होती है या पेप्टोग्लाइकन से बनी होती है, जिसको हम ये भी कहते हैं कि ये अमाइनो से बनी होती है. पेप्टाइड्स किस में होती हैं? पेप्टाइड्स लिंकेज होती है प्रोटीन में, और प्रोटीन किससे बनते हैं? अमाइनो एसिड से बनते हैं. लाइक हम ये कहते हैं ना कि जो प्रोटीन है वो पॉलीमर है अमाइनो एसिड का, या अमाइनो एसिड न्यूक्लियर लाइक अमाइनो एसिड मोनोमर है. सो ये होता है कि यही है जिसकी वजह से वो रिकॉग्नाइज कर सकते हैं बैक्टीरिया को. रिकॉग्नाइज करने के बाद वो फॉरेन पार्टिकल्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं थ्रू इट्स लाइसोजाइम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम. हमारे पास मोनोसाइट्स हैं, सो ये सिंगल बीन शेप होते हैं, नॉन ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं. मैंने आपको बताया इनके पास 2-8% टोटल WBCs का मोनोसाइट्स का होता है. लाइक ग्रैनुलोसाइट्स इनके पास ना एक स्टेम सेल्स होते हैं जिनको हम ओरिजिनल सेल्स कहते हैं, इब्तिदा के सेल जो डेवलप में होता है. सो एवरेज लाइफ स्पैन इसकी होती है 2-5 days इन ब्लड सर्कुलेशन, और फिर ये माइग्रेट कर जाते हैं ब्लड से इन आर टिश्यूज, और फिर ग्रो इन साइज में होते हैं, और फिर क्या होता है कि ये या तो आगे जाके ना डेंड्राइटिक सेल में बन जाते हैं, जो हम ये कहते हैं कि फिर मंथ तक चल सकते हैं, सालों तक भी चल सकते हैं. सो इसको हम ये कहते हैं कि ये लॉन्ग लाइफ होते हैं, आगे मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट हो जाते हैं. अगर अब हम पढ़ें, अगर हम अब देखें तो मैक्रोफेजेस होते हैं. मैक्रोफेजेस ना ल्यूकोसाइट्स हैं अदर देन न्यूट्रोफिल जो इन्वॉल्व होते हैं फेजोसाइट्स कर सकते हैं, फेजोसाइटोसिस डिस्ट्रॉय कर सकते हैं फॉरेन पार्टिकल्स को, वॉर्न आउट सेल्स को. लाइक वॉर्न आउट कहते हैं जो बूढ़े सेल्स हो जाते हैं ना, लाइक अगर हम ऐसे कहें तो जो पुराने सेल्स हो जाते हैं ना उनको ये तबाह कर सकते हैं, जैसे रेड ब्लड सेल्स वगैरह होते हैं. सो ये मैक्रोफेजेस वो होते हैं, ये ड्राइव. और ये जो मैक्रोफेजेस है ना, ये जो मैक्रोफेजेस हैं ये ड्राइव हुए मोनोसाइट से, जिसको हम उसमें कैटेगरी में लाते हैं कि ये ए ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं, बिकॉज ये ले करते हैं एनी काइंड ऑफ पिगमेंट्स इन देयर साइटोप्लाज्म. इनके पास कोई भी पिगमेंट्स नहीं होते, सो दैट्स व्हाई हम ये कहते हैं. और आपको पता भी है कि WBCs वाइट ब्लड सेल्स हम कहते हैं, और पुलिस ऑफ द बॉडी भी. अगर 9th class में आपने बुक पढ़ी होगी तो उसमें आपकी बुक में एक पूरी एक लाइन थी कि इनको हम पुलिस ऑफ द बॉडी कहते हैं. सो वो एक बहुत अच्छी लाइन थी, याद होगी आप लोगों को. और ये लार्जेस्ट होते हैं अमंग ऑल ल्यूकोसाइट्स. सो अनलाइक ग्रैनुलोसाइट्स, इनके पास लार्ज इंटेंडेड हॉर्स शेप न्यूक्लियस होता है, और ये सर्कुलेट कर रहे होते हैं मोनोसाइट्स के. कुछ टाइम बाद ये एंटर हो जाते हैं, लाइक हमारे ब्लड को छोड़ के लिम्फोइड में एंटर हो जाते हैं, या फिर नॉन लिम्फोइड टिश्यूज में एंटर हो जाते हैं, फिर आगे जाके साइज में बड़े होते हैं, और फिर मैक्रोफेजेस डेंड्राइटिक सेल बन जाते हैं. और फिर मैक्रोफेजेस के पास ना एक बहुत अच्छी एबिलिटी होती है, लाइक ना इनके पास ये एबिलिटी हो जाती है कि ये अडॉप्ट कर लेते हैं स्पेसिफिक टिश्यूज कंडीशंस को, और फिर इनको हम ये कहते हैं कि ये अलग अलग जगहों पर, अलग अलग ऑर्गन पर अपना जो रोल है वो प्ले करते हैं. लाइक क्या होता है कि ये आगे जाके स्पेसिफिक टिश्यूज अडॉप्ट कर लेते हैं, इनको हम ये कहते हैं कि एल्वुलर मैक्रोफेजेस होते हैं, एल्वुलाई ऑफ लंग्स में, लिवर में कफर सेल्स होते हैं, माइक्रोग्लिया एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सो ये ऐसे ही परफॉर्म करते हैं अपना रोल. इसको इसने डिस्ट्रॉय किया है ना, उनकी एंटीजेंस को टी सेल्स में एंटीजन को प्रेजेंट कर देता है, जो एक टाइप है लिम्फोसाइट्स की. अगर आप पढ़ेंगे बीटा बी और टी लिम्फोसाइट्स, सो इसको कहते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, क्योंकि ये एंटीजन को प्रेजेंट कर रहा है. ये रिलीज करता है कुछ स्पेसिफिक सिग्नल मॉलिक्यूल जिसको हम कहते हैं साइटोकाइंस, को वो एक्टिवेट कर सके अदर इम्यूनिटी सेल्स को. ये इनिशिएट करता है प्रोसेस ऑफ इन्फ्लेमेशन, जो हम आगे डिस्कस करेंगे. इन्फ्लेमेशन होती है कोई भी फीवर वगैरह जिसके जरिए बॉडी अगेंस्ट पैथोजन के रिएक्ट करती है. और फिर क्या होता है कि ये एक्टिविटीज मैक्रोफेजेस अलग से सिक्रिएट करता है नाइट्रिक ऑक्साइड को, जो आगे फेजोसाइट्स कर रहा होता है पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनाइजम को. सो इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है इम्यून सिस्टम में. मैक्रोफेजेस का सबसे बड़ा यही रोल है कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है, प्रेजेंट कर देता है उन एंटीजेंस को, कि आगे जाके अगर कोई एक बैक्टीरिया वायरस आगे जाके वापस से अटैक करने वाला है तो उसके उससे ज़्यादा जल्दी वर्क कर सके. लाइक क्या होता है कि अगर कोई अगर आपको कोई एक बीमारी हुई है और उससे ज़्यादा आपका इम्यून सिस्टम डील कर रहा है अगर 4-5 में, तो अगर आगे जाके आपको कोई एक वापस से बीमारी होगी तो वो फिर आप 2-3 days में ठीक हो जाएंगे. किसके जरिए? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के जरिए, कि उसने एंटीजन को प्रेजेंट कर लिया, उसको याद दहानी कर लिया कि भाई ये आया था और इसने ऐसे हमने ट्रीट करना है इसके साथ, वो जल्दी ट्रीट कर सकता है. तो ये होता है इसका रोल. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डेंड्रिटिक सेल्स से स्टार्ट करेंगे. आई होप समझ आया होगा. मैं कोशिश कर रही हूँ कि अब रोज़ वीडियो डालूँ इंशाल्लाह.
और सेकेंड ईयर भी स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह. ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू. अल्लाह हाफिज़.